नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पब्लिक मैटर में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए आज के अहम खबर की शुरुआत करते हैं। चंपावत में नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश के मंच गांव में साल 9 दिसंबर 2016 को उप तहसील खुली थी। 56 राजस्व गांव की करीब 11,000 की आबादी वाले इस उप तहसील कार्यालय को मंच से करीब 2 किमी दूर दुबड़ के पंचायत घर में बनाया गया था, पर एक साल के भीतर ये उप तहसील बंद भी हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में मंच उप तहसील का संचालन शुरू करने की घोषणा थी, जिसके तहत इसमें 4 मई 2022 से काम शुरू होना था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के आचार संहिता लगने से औपचारिक रूप से काम शुरू नहीं हो सका, लेकिन 10 जून से उप तहसील मंच में कार्य शुरू हो चुका है। इस उप तहसील से स्थायी निवासी चरित्र आय जाति सहित सभी तरह के कोई भी प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार चन्याल, तहसीलदार ज्योति धपवाल सहित अन्य विधायक प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि ग्रामीण इत्यादि लोग मौजूद रहे। चंपावत से ब्यूरो चीफ जीवन बेस्ट की रिपोर्ट। आज माननीय पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के अथक प्रयासों से सीमांत क्षेत्र तल्लादेश के मंच उप तहसील का उद्घाटन किया गया है। जनप्रतिनिधियों के समक्ष इसका उद्घाटन हुआ है और सभी कार्य यहां पर संपन्न होंगे। क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर है। सीमांत क्षेत्र तल्लादेश के लोग माननीय पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।